हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का मेरे गढ़वाली जॉनसन यूट्यूब चैनल पे। तो आज ना मेरे हस्बैंड ना ससुराल जा रहे हैं, मतलब यानी कि मेरे मायका जा रहे हैं। तो आप लोग इनसे पूछो कि कितने खुश हो रखे हैं अपने ससुराल जाने के लिए। कितने खुश हो रखे हैं आप? बहुत खुश हो रखे, बहुत दिन बाद ससुराल जा रहे हैं भाई। देखो, मतलब मैं नहीं जा रही हूँ मायका और ये जा रहे हैं ससुराल, तो मेरे बिना इनको कितना अच्छा लग रहा है। क्या पता सबके हस्बैंड को ऐसा ही लगता होगा, क्या सबके हस्बैंड ऐसे ही खुश होते हैं जैसे मेरे हस्बैंड खुश हो रखे हैं। बिना लुगाई के अकेले ससुराल में आनंद ही कुछ और है। आज जबकि अपनी वाइफ साथ हो ना तो हस्बैंड को कितना अच्छा लगता है, आज जब वाइफ साथ नहीं होते तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मेरे हस्बैंड ना मेरे बिना बहुत ही खुश है, क्योंकि मैं ज्यादा टोकती हूँ ना तो रोक टोक कुछ नहीं होगा, अपने मस्त होके नाचेंगे, है ना। ससुराल में तो नाचेंगे गाएंगे ऐसे करेंगे, देख लो ये तो नाचेंगे गाएंगे, मैं क्या करूंगी यहाँ पे। तो खाना खिलाना, बच्चों कपड़े धुलना, मेरे बस फ्रेंडे भी सब आ रखे हैं, मेरे साथ के लोग भी सब आ रखे हैं, मैं यहाँ हूँ, मेरे हस्बैंड जा रहे हैं। तो मेरे हस्बैंड ना उन लोगों से मिलेंगे और वो लोग मेरे बारे में पूछे तो क्या बोलेंगे आप? बोलूंगा रो रही थी थोड़ी। थोड़े रोते हैं क्या? मैं ज्यादा रोऊंगी, ठीक है। आना आप ढंग से नाचना, ठीक है। आपको नाचना नहीं आता, मेरी बेइज्जती मत करवाना मेरे फ्रेंड लोगों के सामने, ठीक है। मैं तो नाचता ही नहीं, मुझे आता ही नहीं इनको ना नाचना। नाचना बिल्कुल नहीं आता, आता सब लोग बोलेंगे देखो जरा सुनीता के पति को कैसे नाच रहे हैं। इनको मैं सिखाती पर ये सीखते नहीं नाचना। और हमारे इधर ना बहुत ज़्यादा नाचते हैं, बहुत ही ज़्यादा। आप लोगों को वीडियो में दिखाऊंगी, मतलब मैंने ये वीडियो बनाएंगे तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि कैसे नाचते हैं हमारे यहाँ। लेकिन इनको नाचना नहीं आता है, मेरे को तो ठीक ठाक नाचना आता है पर इनको नाचना नहीं आता है। तो नाचना आप, ठीक है, ढंग से नाचना। मैं नाचता ही हाँ, नहीं आप हूँ। वीडियो मुझे भेजते रहना कि कैसे नाच रहे हैं। ओके ओके। हाँ ये देखो मेरी बहन भी आ गई, ये सब शादी के लिए तैयार हो रहे हैं। ये देखो सचो, हाय हाय कर दो, हाय। देखो जरा ये हाई कर रहा है, ये भी आ गया शादी के लिए। शादी के लिए जाएंगे आप चच्चू? इधर देखो, आप शादी में जाओगे? ये सब शादी के लिए तैयार हो रखे हैं। देखो इधर भी, इधर भी। पैर में नमस्ते कर। पहले तय करो जैसे कि हालत नहीं खराब हो रही है। ये देखो भाई, जाने के लिए तैयार हो गई है ससुराल जाने के लिए। बाय कर दो, फिर करते, फिर करते, फिर करते। ये सब तैयार हो गए जाने के लिए। देखो गाड़ी बैक कर रहे हैं चौहान जी, और बैठ गए गाड़ी में, और चौहान जी कर रहे हैं हमें बाय बाय। तो ये सब सक्षम जी उधर से बाय बाय कर रहे हैं, मेरे सिस्टर भी बाय बाय कर रहे हैं, और ये चले गए। सब लोग शादी में चले गए, मेरे बेटा भी चले गया, मैं चले गए, और मैं, मेरा बड़े बेटा यहीं पे है, क्योंकि उसके ना प्री बोर्ड शुरू होने वाले हैं 21 से, तो मैं नहीं जा सकी। वैसे चौहान जी तो कह रहे थे कि तू चली जा, लेकिन चौहान जी का बस का इनका काम नहीं है, बच्चों को सुबह उठाना, स्कूल भेजना, उनके लिए नाश्ता बनाना, तो नहीं कर पाते। अभी इनकी तबीयत ख़राब थी तो मैंने कहा तुम ही चले जाओ, तो ये तो चले गए। और कहने के लिए तो मैंने कह दिया कि तुम चले जाओ, लेकिन मुझे अभी ना बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा, तो मैं सोच रही हूँ, बेकार बोला, खुद ही जाती तो ठीक था। और मेरी सिस्टर भी सब चली गई, तो मेरी सिस्टर को भी ना दोनों को बहुत ही बुरा लगा हुआ था, वो भी दोनों फ़ोन कर रही थी कि तू भी आ जा, लेकिन क्या करूँ, बेटे के लिए तो रुकना था यहाँ पे, क्योंकि मेन तो बच्चों की पढ़ाई होती है, क्यों बच्चों के लिए जब हम बाहर रहते हैं, बच्चों के लिए इतना खर्चा करते हैं, तो शादी तो चलो कोई बात नहीं, पर बच्चों का डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो फिर मैं रुकी तो मैं यहाँ पे हूँ, लेकिन मुझे ना बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा। और क्या सुनाऊँ मैं, कैसे बोलूँ, मुझे कितना बुरा लग रहा। तो आप लोगों को तो पता ही होगा कि जब मायका में शादी होती है और आप लोग नहीं जाते हैं तो कैसा महसूस होता है, तो वैसे ही ना मुझे महसूस हो रहा अभी कि क्या बताऊँ मैं रो भी नहीं सकती हूँ, हंस भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि रोऊंगी फिर कहेंगे ले छोटी बच्चियों की तरह रो रही है। पर बुरा ना बहुत ही ज़्यादा लगता है जब चले जाते हैं, उस समय तो बुरा नहीं लगता जब सब लोग यहीं होते हैं, जब सब लोग गाड़ी में बैठ के जाते हैं ना, बाय बाय करते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। जब मुझे मेरी बहन और हस्बैंड बाय बाय कर रहे थे ना, मेरा बेटा, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा। उस समय मैं सोच रही थी मैं भी गाड़ी में बैठ जाऊँ, लेकिन मेरा बड़ा वाला बेटा तो, लेकिन मेरे बड़े वाले बेटे को भी बहुत ज़्यादा बुरा लगा हुआ, क्योंकि सब चले गए और हम दोनों यहीं हैं। तो ये 2-3 दिन के बाद आएंगे, क्योंकि शादी आज मेहंदी है, कल शादी है, परसों फिर आएंगे ये लोग, और हम 3 दिन अकेले रहेंगे यहाँ पे, और ये इन्जॉय करेंगे, तो कितना बुरा लगता है, पर क्या करें, कोई नहीं, ये भी इन्जॉय करेंगे। और हम भी अभी बच्चों के पेपर, जिस दिन बच्चे बाहर पढ़ने चले जाएंगे तो हम भी इन्जॉय करेंगे, जाएंगे शादी पार्टी में। अभी बच्चों के साथ ना इतना होता नहीं है, क्योंकि बच्चों का ना डिस्टर्ब होता है, तो बच्चों के साथ ना रुकना पड़ता है, तो मैं यहाँ रुक गई हूँ। आप लोगों को अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स करना ना भूलें। बाय बाय।